ताब के साथ लठ ठाना पड़ेगा तब उसके सरकार डर जाए, नहीं तो भाई ऐसे सेटिंग होगी तो हम अपने पिट गई हो लाइब्रेरी, हम अपनी आंख भी फड़वा लियो, कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। बड़ा सरकार पर हमला बोला हुआ है। हमला क्या भाई साहब, 30 लाख वाला कहीं बात है, तो किताब के साथ लठ भी ठाना पड़ेगा इस सरकार के खिलाफ जब बात बनेगी भाई। यानी कि खट्टर की भाषा आप नवीन जय हिंद बोलने लग गए हैं। मनने ना भाई, खट्टर साहब ने कहा था कि लठ ठा लो। गीता जयंती चल रही है, ये सरकार इनके मंत्री मुख्यमंत्री गीता पर हाथ रख के कसम खा जावे, हक पर्ची खर्ची नहीं चल रही, कसम तो खाओ एक बार, जूठी खा लो, जूठी खाओगे तो कीड़े पटक के मरेंगे, आप हिसाब करेगा ऊपर वाला। 2 करोड़ रुपए एक दिन में पाए हैं, इतने कमा गया होगा वो तो, भविष्य कहाँ देख रहे हैं। मछली है मछली, मगर मस्त पकड़ा ही नहीं ना भाई साहब, आप मेरे इतिहास में तो जानते नहीं, तो मेरे मौजूदा सरकार के अरे प्रभु सुनते ले, जिसके इलाके उसके देखा नहीं ना, किसानों ने लठ दिया जब इस सरकार का हो गया ना सीधी सरकार, तो बस तो नौजवान भी अगर लठ दे देंगे इनका हो जाएंगे सीधे ना, चार वाला की ईमानदारी तो लगा गए और उनके अखबारों में इंटरव्यू करवा देते, आप जिस इंटरव्यू दवा देते थे मैं तो ईमानदारी से लग गया हूँ, तो बस लोग आ रहे हैं बड़ी ईमानदारी से, बंडा तो ही फूटा ना, ग्रुप डी से लेके HCS तक जज तक ऐसे ही भर्ती हो रही है, तो क्या मतलब रह गया। तो भाई साहब मन ने तो सारिया ना लटका है, मेरी आदि दही टूट रही है, लाठी खा खा के पुलिस को नाम बोल दो। अरे नाम को ना मेरा रिमांड दवा दे उसका, नागर का 2 घंटे का लिया, हो गए थे हरियाणा में आप, 1.5 साल बोले की भक्ति करी थी भाई साहब, गाँव की सेवा कर रहा था, तो आगे राजनीति भविष्य कहाँ देखते हैं, मेरा कोई भविष्य। कितने को भी सोच रहे हैं 17 तारीख को लोगों की पहुंचने की, कुछ आंकड़ा आपने जोड़ा हो? 5 तो जरूर था भाई, सरकार तो नहीं करेंगे, जिसने गड़बड़ करी उसने जेल में डाल दो ना, मर थोड़ी गए वे, जिसने भी कर रखी खोलो सबकी फाइल, तो पॉलिटिकल ही है वो, आंदोलन ही करा है, आंदोलन तो करे हैं, राजनीति सेवा भी है चाचा, सेवा, और उसने फूफा ने मतलब शर्पा बैठाओगे, बर्खास्त तो कर दिया उसको, बर्खास्त करे तो किए यार मछली पकड़ रखी है, मगर बस की था वो, हरियाणा पुलिस तो बंदर की बकरी बना दिया रहे। नमस्कार, कैथर टीवी में आपका स्वागत है। और लगातार आम आदमी पार्टी के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे नवीन जय हिंद लगातार सरकार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। HPSC में सूटकेस में पैसे मिले उसी को लेकर पूरे हरियाणा के जिला स्तर पर लोगों को जागरूक करते नजर आ रहे हैं और 17 दिसंबर को विधानसभा को घेराव करने का ऐलान किया हुआ है। लेकिन तमाम जानकारी के लिए नवीन जैन जी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरह की जिला स्तर पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। नमस्कार जी नवीन जैन जी। जैन जी, जैन जी कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। बड़ा सरकार पर हमला बोला हुआ है। हमला क्या भाई साहब, 30 लाख वाला कहीं बात है, 30 लाख छोरे छोरी हर मैं केथल लड़ा देखूँ, केथल के जितने भी छोरे छोरी पढ़े हैं जो, और उनके मार बाबू फीस देने लग रहे हो, स्कूल की भी कॉलेज की भी फिर कोचिंग की, कितना तो महंगी हूँ पढ़ाई हो रही है, और ऊपर हो जाए सेटिंग जब नौकरी का पेपर देने जा है, तो कम से कम केथल में भी 1.5 लाख बच्चे होंगे जो तैयारी करते होंगे पेपर देते होंगे। अरे भाई साहब उड़ा सूटकेस चल रहे हैं, आड़ा बालक फटे जाओ उड़ा सूटकेस से अपना काम कर देगा, तो हम तो ये बतावे हैं गीता जयंती चल रही है, ये सरकार इनके मंत्री मुख्यमंत्री गीता पर हाथ रख के कसम खा जावे, हक पर्ची खर्ची नहीं चल रही तो हम मान लेंगे। अरे 2 करोड़ रुपये अभी एक उस दौर पाए हैं छोटे ही अफसर दौर, 2 करोड़ रुपये एक दिन में पाए हैं, कितने कमा गया होगा वो, तो भविष्य कहाँ देख रहे हैं। मछली है मछली, मगर मस्त पकड़ा ही नहीं ना भाई साहब, बस बच्चों का भविष्य कहाँ देख रहे हैं इस तरह के हालात को देखते हुए। किताब के साथ लठ ठाना पड़ेगा तब उसके सरकार डर जाए, नहीं तो भाई ऐसे सेटिंग होगी तो हम अपने पिट गई हो लाइब्रेरी, हम अपनी आँख भी फड़वा लियो, कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। तो किताब के साथ लठ भी ठाना पड़ेगा इस सरकार के खिलाफ जब बात बनेगी भाई। यानी कि खट्टर की भाषा आप नवीन जय हिंद बोलने लग गए हैं। मन ना भाई, खट्टर साहब ने कहा था कि लठ ठा लो, तो और अच्छी बात है, फिर किसानों के लिए लठ कहा था उन्होंने। हाँ, तो किसान हम नौजवान ना कहे हैं, तो आप सरकार के खिलाफ लठ ठा लो और क्या करे, क्या मानते हैं कि उस लठाने से सरकार बैकफुट पर आएगी और इस तरह की जो पर्ची खर्ची के दावे करते हैं और जिस तरह से अब हालात देखे जा रहे हैं तो उस पर काबू पाया जाएगा? लठ के आगे सब कुछ सीधा हो जा रहा है भाई साहब, वो जिसकी लाठी उसके देखा नहीं ना, किसानों ने लठ दिया जब सरकार का हो गया ना सीधी सरकार, तो बस तो नौजवान भी अगर लठ दे देंगे इनका तो हो जाए इसी दिन आ दिन में गड़बड़ घोटाला चल लगा, और उसमें मेरे हिसाब से कुछ होना नहीं भाई साहब। नवीन जैन भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में बात करें, पूरी हरियाणा के तमाम जिलों में जा रहे हैं, 2 सूटकेस हाथ में लेकर चलते, क्या है उन सूटकेस के अंदर? सूटकेस के अंदर है गीता, गीता पर हाथ रखे सरकार इनका कोई भी MLA MP मंत्री उस पर हाथ रख कर कसम खा जाएगा, हमने सरकार में गड़बड़ नहीं करी, हमने नौकरियां में गड़बड़ नहीं कर रखी, हम ईमानदार हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें गंगाजल है, गंगाजल की कसम उठाओ, गीता पर हाथ रख के खाओ, अगर वो नहीं करते हैं तो फिर देसी गाय का शुद्ध गोबर और देसी गाय का गोमूत्र,
वो फिर सरकार को दिखाऊंगे, थोड़े पैसे भी इकट्ठे कर रखे हैं तो पैसे भी दिखाऊंगे। तो क्या मानते हैं कि गीता पर हाथ रखने से वो सच्ची कसम खाएंगे? क्या मानते कि आजकल कोर्टों में भी कहा जाता है गीता पर हाथ रखकर कसम खाएं कि आप सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे? कसम खाओ, कसम तो खाओ, एक बार झूठी खा लो, झूठी खाओगे तो कीड़े पटक के मरेंगे, आप हिसाब करेगा ऊपर वाला, फिर राम जी अपने आप हिसाब कर देगा इनका। खवाओ तो आप खवाओ तो सही कोशिश है, फिर तो मान जाएंगे। वैसे HPCC का जो मामला थी, क्या मामला था, किस तरह के पैसे वहां पर मिले हैं, किस नौकरी को लेकर पैसे? अरे भाई साहब, अगर पूरे मामले की अगर जब नवीन जयंती से जाने ग्रुप डी से लेके HCS तक जज तक ऐसे ही भर्ती हो रही है तो क्या मतलब हो रहा है? ग्रुप डी सबसे निचली नौकरी है, ऊपर HCS है सबसे ऊंची नौकरी हरियाणा की, उसमें वहाँ उसका जो सेक्रेटरी था वो सेटिंग कर रहा था, और वो सेटिंग ये कर रहा था अग भी तरह करा देता सब कुछ उड़े सेटिंग करके, कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। और वे जो आंसर शीट, और आज तो नहीं कर रहा वो, बहुत दिन तक कर रहा है, स्पेशल अपॉइंट कर रखा है वो। अरे भाई साहब, इतना बड़ा खेल था, लोगों को पता ही नहीं था। चार बाला की ईमानदारी तो लगा गए, अरुण के अखबार में इंटरव्यू करवा देते, आप जिस इंटरव्यू दवा देते थे, मैं तो ईमानदारी से लग गया हूँ, तो बस लोग आ रहे, बड़ी ईमानदारी चल रही, बंडा तो ही फूटा ना। लोगों का ये भी कहना है कि नवीन जय हिंद अपने आप को फेमस करना चाहते, इस तरह का स्टंट जो है वो लेकर आए हैं, इससे पहले वो लेकर नहीं आए अब तक, चाहे वो पेपर घोटाला हुआ उसमें भी कोई अभियान जो है वो शुरू नहीं किया, अपने आप को फेमस करना चाहते हैं नवीन जय हिंद। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आवाज़ जो है ना, जब भूपेंद्र हुड्डा का राज था ना, जब सीएम थे, आप मेरे इतिहास में तो जानते नहीं, मौजूदा सरकार के खिलाफ प्रभु सुनते ले जी, आप जब इतिहास नहीं जानते तो आपने जानकारी होगी उसमें आपकी भी नहीं, आप बता दें फिर आप नहीं, भाई पूरा इतिहास तो 20 साल का बता, चलो शॉर्ट में बताओ कुछ, मेरा इतिहास जानो MD यूनिवर्सिटी रोहतक से जाकर, और पिछली सरकार से पूछो मैंने कितना आंदोलन किए हैं इस मामले में लेकर, और इस मौजूदा सरकार की जो पिछले 5 साल में थे, आपको नहीं जानो इनके जो चेयरमैन थे ना उनकी अपॉइंटमेंट का भी मुद्दा मैंने नहीं उठाया था, वहाँ प्रदर्शन किया था, HSSC जो है ना वहाँ पर भी गड़बड़ थी। तो भाई साहब मन ने तो सारी आना लटका है, मेरी आदि दही टूट रही है लाठी खा खा पुलिस की, ई बाप ने निबेरा या किसी ने निबेरा तो मेरे मन अब लुप्त से हो गए थे हरियाणा में। आप एक 1.5 साल बोले की भक्ति करी थी भाई साहब, गांव की सेवा कर रहा था, लुप्त के हो गया था, मीडिया सोशल मीडिया तो दूर था और कुछ ना था, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे थे, आम आदमी पार्टी में भी आपने कुछ काम नहीं किया। भाई साहब जब मीडिया और सोशल मीडिया से दूर का मतलब ये नहीं होता आदमी कुछ ना कर रहा है, मरा को रहा होता जय हिंद है जिंदा, भाई इन चीज़ ज़्यादा थोड़ा दूर था बस और कुछ नहीं था, न्यूज फेस टू फेस तो मिल रहे थे, फेसबुक तो इधर दूर था। चलो आम आदमी पार्टी की आगे भविष्य की अगर बात करें तो हरियाणा में कहाँ देखते हैं आम आदमी पार्टी का भविष्य? ये तो जनता तय करेगी, जनता बताओगी भाई साहब। नवीन जैन आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कितना काम किया आम आदमी पार्टी के लिए? काम तो खूब करा भाई साहब, इसमें तो कोई वो नहीं, काम कर भी रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, ये तो जनता ने तय करना है, वोट तो जात पे धर्म पे देनी है, क्षेत्र पे देनी है, काम पे देनी है, जनता ने तय करना है, ये जनता तय करेगी, जनता कब समझ में आओगी, जब आओगी जब हो जाएगी बात, बाकी ना तो ये बीजेपी कांग्रेस है, बीजेपी कांग्रेस तो ऑप्शन क्या है जनता के पास? आप कांग्रेस पुरानी सरकारों को भी दोषी ठहरा रहे हो, मौजूदा सरकार को भी ये कह रहे हो। भाई मैं को ना दोषी ठहरा रहा किसान ने मेरे भाई, कह रहे हो क्या ना, तो ये जो भ्रष्टाचार किया है लोगों ने किया, पिछली ये सरकार ये कह रही है पिछली ने गड़बड़ करी, मैं इस सरकार तो नहीं करेंगे, जिसने गड़बड़ करी उसने जेल में डाल दो ना, मर थोड़ी गए वे, जिसने भी कर रखी खोल लो सबकी फाइल, न्यू कहने से बात नहीं बनाया, अगर पछली ने गड़बड़ कर दी हम तो बड़े ईमानदार है, गड़बड़ करनी है भी आ रहे हैं पकड़ो फिर। अब फिर अगला कदम क्या रहेगा नवीन जय हिंद का, किस तरह से आगे इस अभियान को सुचारू रूप से चलाया जाएगा? तो भाई एक नौजवानों के लिए एक कोशिश है, प्रयास है, ना तो मेरे द्वारा पैसा, ना मेरे द्वारा पावर, ना मेरे द्वारा पब्लिक, अपने पास ना कुछ हिम्मत है अपने पास, और उस हिम्मत से थोड़ी ही जो भी है जितनी भी है, डरते नहीं आप यमराज पे भी तो लड़ रहे हैं बस, बाकी तो भोलेनाथ जो कराया होगा भाई साहब। नवीन जय हिंद की राजनीति सफर की अगर बात करें तो आगे राजनीतिक भविष्य कहाँ देखते हैं? मेरा कोई भविष्य ना, क्या आम आदमी पार्टी में बने रहेंगे या कहीं और भी प्रयास रखते हैं? मानने की तो जाने की जरूरत ना, मैं अपना जीत हूँ एज आम आदमी, ठीक हूँ, और जो कोशिश हो सका है वो कोशिश कर लेंगे, बाकी भविष्य भविष्य मेरे बस की ना बतानी है, क्या बताऊँ मैं बस। राजनीति की भूख है या नहीं है? ना ना राजनीति राजनीति की भूख, मैं तो राजनीति में था ही नहीं, कदे भी नहीं हूँ। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आंदोलन में था प्रभु, आंदोलन राजनीति को ना आंदोलन,
आंदोलन करे सरूदा ले गई बताई मैं आम आदमी प्रदेश अध्यक्ष तो रहे हो आप तो फिर क्या हो गया आंदोलन करा पार्टी तो पॉलिटिकल ही है वो आंदोलन ही करा है आंदोलन तो करे तो राजनीति सेवा भी है चाचा सेवा भी है मानते हैं कि आज के दौर में राजनीति सेवा रह रही है क्यों बतेरे अच्छे भी लोग हैं यह बात थोड़ी है सारे के सारे चोर हर कोई राजनीति का नाम लेकर सेवा का नाम ले लेता है ऐसा कुछ नहीं सब चोर नहीं आ रहे सारा चोर हो जाएंगे तो धरती समाज ही समुद्र यानी आप ये मानते हैं कि अभी अच्छे लोग हैं अच्छे लोग तो हैं ओनली चढ़ कीचड़ तो हर जगह में लगा आपने दो मंत्रियों का नाम लिया था कि दो मंत्री शामिल है इस सूट में कहा है ले रखा है आप दो पता मंत्री बोल दो नाम बोल दो अरे नाम को ना मेरा रिमांड दवा दे उसका नागर का दो घंटे का लिया उस नाम सारे के नहीं बताते तो और बताओ तो पुलिस ने रिमांड लिया उसमें दिया पुलिस ने क्या रिमांड लिया पुलिस ने रिमांड नहीं दिया हरियाणा पुलिस तो बंदर की बकरी बना दिया रहे उस तक जब उन्होंने मंत्री का नाम लिया चुप हो गए सूटकेस मामले में बर्खास्त भी कर दिया उनको अच्छा और उसने फूफा ने मतलब शर्पा बैठाओगे बर्खास्त तो कर दिया उसको बर्खास्त करे तो कि यार मछली पकड़ रखी है मगरमच्छ की थे वो पूछूं मैं तो आप अब उस मगरमच्छ को पकड़वाने के लिए कितना प्रयास करेंगे क्योंकि 17 तारीख का आपने विधानसभा का घेराव का ऐलान किया है तो बस कोशिश उसके बाद भी आगे भी कोई प्रयासरत रहेंगे आप इसने छोड़ूंगा ना इस मामले ने चिंता ना करो छोड़ूंगा ना 30 लाख बड़का ही बात है 30 लाख तो बालक 30 लाख उनकी मार 30 लाख उनके बाबू कितने हो गए एक एक भाई बन भी पाओगा का मामला तो आप जिस तरह से अभियान चला रहे हैं जिले में हर जिले में जा रहे हैं तो कितना सपोर्ट जो है लोगों का मिल रहा है क्या लोग जुड़ रहे हैं आपसे मैं नहीं बेरा मेरे दर्द इतने फोन आ रहे हैं इतने मैसेज आ रहे हैं बाकी भाई साहब मैं तो अपने गले रखा रू चार आदमी कंधे वाले आ रहा ना जिनने कंधे उठा ले यार मैं हूँ पांचवा बस हमने तो एक आवाज लगाओगे कोई आओगा आ जाए कोई नहीं आओगा नहीं मेरे दूर वो यानी इस अभियान की पोल जो है वो 17 तारीख को खुलेगी कि कितने लोग जो है वो नवीन जय हिंद के अभियान से जागे हैं और 17 तारीख को पता लगेगा कि वहाँ पहुँचेंगे कितने लोग वो कितने पहुँचेंगे सबका अपना अपना कोई तन तय हेल्प करे कोई मन तय करे कोई धन तय करे घर बैठे भी गरीब आप करने लग रहे हेल्प है सबके अपने अपने हैं मैं तो ये कह रहा हूँ अपना अपना प्रयास करके सरकार पर दबाव बनाया जाए अगवाई ये गड़बड़ नहीं होने देंगे कितने की उम्मीद सोच रहे हैं 17 तारीख को लोगों की पहुँचने की कुछ आंकड़ा आपने जोड़ा हो 5 तो जरूर जाएंगे पांच तो जरूर जाएंगे एक जय नवीन जयंत और चार कंधे वाले हाँ मतलब मन बना रखा है पूरा हाँ मन बना रखा है कंधे वाले तो सही है ना चार तो सही है अपनी गहलें बतेरे हो और क्यों हो चार ऐसा है आदमी ने और फालतू ही जरूरत ना होती चलिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू और ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे नवीन जयंत जिन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की और साफ तौर पर कहा है कि 17 दिसंबर को चंडीगढ़ विधानसभा का घेराव करेंगे और लोगों से भी अपील की गई है कि बच्चों के भविष्य को अगर आप बचाना चाहते हैं तो आप भी 17 दिसंबर को विधानसभा के घेराव के लिए पहुंचे लेकिन देखना यह होगा कि इस अभियान का जो पोल पट्टी है वो 17 तारीख को कितने लोग पहुंचते हैं और कितने इस अभियान से जागरूक होते हैं वो तो आने वाला समय बताएगा लेकिन बेबाकी से अपने जवाब जो है नवीन जयहिंद ने रखे आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें कैथल टीवी नमस्कार